ये है कॉमन मॉमन बटरफ्लाई का एग और ये है कॉमन मॉमन बटरफ्लाई का कैटरपिलर। हाँ, ये उस अंडे से ही बाहर आया है और ये ग्रो करने के लिए किसी भी प्लांट को बहुत तेज़ी से खाते हैं। सो आई डिसाइडेड टू इंक्यूबेट देम ऑल। अब वहाँ पे चार थे और उनमें से सिर्फ मैंने इस एक को ही इंक्यूबेट किया और उस डब्बे में बंद किया। आफ्टर फ्यू डेज ये ग्रीन कलर का हो गया और बन गया एक छोटा सा पोकेमॉन। अब इस स्टेज से प्यूपा की स्टेज में जाने के लिए इनको अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं 10 डेज। एंड आफ्टर 10 डेज ये बन गया प्यूपा। अब प्यूपा को हैच होने में मैक्सिमम लगते हैं 15 डेज अगर एटमोसफेयर सही रहा तो, वरना ये एक्सटेंड होके 30 डेज भी हो जाता है। और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हेयर इज़ माई कॉमन मॉमन बटरफ्लाई।